श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणातन प्रणेता महामना मुड़िया प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। भक्तजनों, आज के इस कार्यक्रम को मैं आप सबका अभिनंदन करता हुआ परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में संबद्ध करते हुए आपको आशीर्वाद प्राप्त करने की उत्कंठा से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। आप मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। आज के प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमती प्राची जैन पुणे से, और तैयार रहे श्रीमती अर्चना मुकेश जी कौशल, कटनी प्रवासी, शिवनी निवासी। उपस्थित हो श्रीमान देव सामने श्रीमती अर्चना जी मुकेश जी कौशल, प्रवासी कटनी निवासी शिवनी मध्य प्रदेश, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। और तैयार हैं श्रीमान अमित जी जैन, पुत्र श्रेयान जी जैन, गुड़गांव से ट्रस्टी गुणायतन। बोलो। मुनि द्वय के चरणों में कोटि चाह नमोस्तु। मुनिश्री, अगर मेरी आयु है तो मुझे कोई हिला नहीं सकता, और मेरी आयु खत्म हो गई तो मुझे कोई जिला नहीं सकता। तो फिर मुनिश्री, इसने उसको मार दिया, किसी ने किसी को जीवन दान दे दिया, ये सब क्या है महाराज जी? ये सब व्यवहार है। आचार्य कुंद कुंद से पूछो, वो तो बहुत हाइट की बात करते हैं। वो कहते जो मन नदि हिंसामी हिंसिज्जामी परे ही सत्य ही सो मूढ़ो अन्नानी नानी ये तो विवरी दो। यथार्थ है, न हमें कोई मार सकता है, न हम किसी को मार सकते हैं। आयु के छह से ही मरण होता है, लेकिन जब हम आयु के छह में निमित्त बन जाते हैं तो हम हिंसा कहलाते हैं। हम निमित्त न बने ये अपने मन में भाव रहे। नमोस्तु। आइए श्रीमान अमित जी पुत्र श्रेयांश के साथ गुड़गांव से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमान सुरेश जी पांड्या साहब, संरक्षक गुणायतन कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर में हमेशा इस बात का विवाद रहता है कि जैसे हम लोग मंदिर में इतना दान ये सब कुछ करते हैं, उसे बेटर नहीं है कि हम हॉस्पिटल में, अस्पतालों में, एजुकेशन सिस्टम में ये पैसा खर्च करें? क्योंकि आजकल एजुकेशन और हॉस्पिटल की हालत नियत बहुत खराब है, और जैसा कि आपने कोविड टाइम में देखा होगा, लाखों लोगों की डेथ हुई है। अब विदेशों में देखा जाए, वहाँ पे कोई धर्म नहीं है तो वहाँ पे डेथ रेट भी कम है, पर वहाँ हॉस्पिटल और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये कहा जाता है कि वहाँ वो बेटर है, और हमारे यहाँ इस बात पे घंटों की डिबेट होती है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात की है। पहले तो मैं आपके आंकड़ों को अपडेट करना चाहता हूँ। भारत विश्व में सबसे ज्यादा मौतें कहाँ हुई? यूएस में। यूएस में वो विकसित देश है कि नहीं? हाँ महाराज जी, वहाँ का हॉस्पिटल और एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है। बट महाराज जी, यहाँ पे आंकड़ों में गड़बड़ी भी हुई है। पहले बात करो। हाँ महाराज जी, ये कहना कि विदेशों में डेथ रेट कम है, भारत में डेथ रेट ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम वीक है, ये पूरी तरह सुसंगत नहीं है। भारत के लोगों ने ये साबित कर दिया कि कमजोर स्वास्थ्य संरचना के बाद भी हम ऐसे चीज़ों से बखूबी लड़ सकते हैं, और बहुत अच्छे से लड़े। जहाँ तक सवाल है मंदिरों और मंदिरों के साथ साथ अस्पताल और एजुकेशन सेंटर्स के स्थापना का, हॉस्पिटल एजुकेशन सेंटर खोलिए, कोई बुराई नहीं, पर मैं एक सवाल करता हूँ, लोग दान क्यों करते हैं? आप दान करते हो, किस लिए करते हो? सेवक के दो मुख्य कर्तव्य है, दान और पूजा। दान को मुख्य कर्तव्य क्यों बताया? महाराज जी, हमारे दान का उद्देश्य क्या है? बोलो। ये बग जस पर बग बच्चे को बोलने दो। धर्म कंटिन्यू रहे, धर्म छूटे ना हमसे। अब मैं सुधार देता हूं,
हमारे दान का उद्देश्य है अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गोदान, स्व पर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान। तो स्व और पर का उपकार जिसमें हो वो कार्य हमें करना चाहिए। तो आप कहोगे महाराज बिल्कुल आपने ठीक कहा, पर का उपकार किसी की जान बचाने में है, किसी की चिकित्सा करने में है, किसी को पढ़ाने लिखाने में है, बिल्कुल है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक मरते को आपने बचा दिया, उस पर कितना बड़ा उपकार किया, उसका शेष जीवन आपने बचा दिया। 3 दिन के भूखे को भोजन करा दिया, आपने क्या किया, उसकी 3 दिन की भूख मिटा दी। किसी को कोई जीविका का साधन दे दिया, आपने क्या किया, उसके परिवार के भावी जीवन की एक सुव्यवस्था दे दी। किसी को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा कर दिया, आपने क्या किया, एक परिवार को एक एक व्यक्ति को अपने जीवन के निर्वाह के लिए सक्षम बना दिया, यही किया ना, इतना ही उपकार हुआ। पर आपके किसी कृत्य से किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसका कितना बड़ा दुख मिटा, बोलो भाव भाव का दुख मिटा। तो व्यक्ति के कुछ देरी का या कुछ समय का दुख मिटाना बड़ा उपकार है, या जिससे भाव भाव का दुख मिटे वो उपकार बड़ा है। पर वो भाव किसने देखा? अच्छा, तो भाव किसने देखा ये सवाल बात का है। जिसने भाव नहीं देखा उसकी तो कोई बात ही नहीं। यहाँ दान वो करता है जिसने भाव ही नहीं भाव भाव को देखा है। जिसने भाव नहीं देखा उसको जो करना करे ना, जिसे केवल ये भाव दिखता वो अस्पताल खोले, और हम तो भाव भाव को देखते हैं, हम अस्पताल भी खोलते हैं, और तन की चिकित्सा के लिए अस्पताल है तो चेतन की चिकित्सा के लिए मंदिर है। जरूरत दोनों की है, अपनी अपनी जगह दोनों की अहमियत है। किसी को कमतर आंकना कतई उचित नहीं। फिर कुछ लोगों की धारणा मंदिरों को लेकर बहुत गलत बनी हुई, उनको लगता है कि मंदिरों में जो पैसा लगता है वो व्यर्थ है, वेस्टेज है। मैं कहता हूं नहीं, मंदिरों में लगने वाला पैसा कहीं से वेस्ट नहीं है। क्यों? इसमें भी बहुतों का भला है। एक मंदिर कहीं बन रहा है, वर्षों उस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, सैकड़ों लोगों को उससे प्रत्यक्ष और हजारों लोगों को उससे परोक्ष रोजगार मिल रहा है। क्या यह देश की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने का माध्यम नहीं है? ये आस्पेक्ट क्यों नहीं? हमने इतिहास में पढ़ा है, आज सरकार मनरेगा चलाती है। हमारे पुराने काल में राजा महाराजाओं ने लोगों को रोजगार देने के लिए मंदिर बनाया। तो ये मंदिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर इनका अनुमान लगाया जाए तो मैं कहूंगा कि भारत की इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने में मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मंदिर का निर्माण भी एक प्रकार के राष्ट्र के निर्माण की तरह महत्वपूर्ण है। एजुकेशन सेंटर खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, मेरी उससे असहमति नहीं है, खोलिए। पर आज के समय में एक समस्या और आ गई है कि एजुकेशन और मेडिकल दोनों आप एक इंडस्ट्री का रूप ले लिए। यहां चैरिटी कर पाना बहुत कठिन हो गया। खोलना फिर भी सरल है, चलाना बहुत कठिन। कई ऐसे अस्पतालों को देख रहे हैं जो हम ही लोगों की प्रेरणा से बनी है और खुली है, और चलाना मुश्किल है। तो मैं आप लोगों से सलाह दूंगा, उन लोगों से सलाह दूंगा जो ये कहते हैं कि अस्पताल और एजुकेशन सेंटर खोले, वो अपना पैसा लगा के एक हाथ खोल के तो बताए।
मैं ये मानता हूँ और कहना चाहता हूँ उन लोगों से जिन लोगों के लिए मंदिरों में व्यर्थता दिखती है, उनसे पूछो कि दुनिया में आज जितने एजुकेशन सेंटर्स हैं और हॉस्पिटल खुले हैं चैरिटेबल, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा किनका है, जो मंदिर में विश्वास रखने वाले हैं या मंदिर से दूर रहने वाले हैं? मंदिरों में विश्वास रखने वाले के जीवन में दोहरा भाव जुड़ा होता है। वो जितना मंदिर में चैरिटी, मंदिर में आके पूजा पाठ करते हैं, व्यवहार में आके उतना ही चैरिटी का कार्य भी करते हैं। यहाँ से प्रेरणा मिलती है। अभी कोरोना काल का ही उदाहरण देता हूँ। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तो मंदिरों से जुड़े हुए सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों ने लोगों के कल्याण के लिए कितने उपक्रम चलाए। और एक बात और बोलता हूं, थोड़ा इसे बहुत व्यापकता से समझना, मंदिर केवल हमारे पूजा उपासना का स्थल नहीं है। मंदिर केवल हमारी पूजा उपासना का स्थल नहीं है अपितु वह हमारे सब प्रकार की धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के उद्दीपन का केंद्र है। जब हम मंदिर आते हैं तो समाज से जुड़ते हैं, संस्कृति से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं और राष्ट्र से भी जुड़ जाते हैं। तो ये ऐसा स्थल है जिसकी आज लोगों को बहुत जरूरत है। मैं तो ये कहता हूं आज के इस दौर में लोगों को जितनी भोजन की जरूरत है, मेरा मानना उससे ज्यादा कहीं मोटिवेशन की जरूरत है। आज जो लोगों के अंदर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सब क्यों है? और इसका सॉल्यूशन अस्पतालों में है क्या? जितने भी आज की मानसिक पीड़ा, दुख, अवसाद की स्थितियां हैं, इनका इलाज कहाँ है? इनका इलाज अस्पतालों में नहीं, इनका इलाज भगवान के दरबार में ही है। जो धर्म से जुड़ जाता है वो अपने जीवन में आने वाले तमाम उतार चढ़ावों के मध्य भी स्थिरता रख पाता है। इसलिए तुमने जो सवाल पूछा है, निश्चित आज युवाओं के अंदर उठने वाला सवाल हो सकता है, तुम्हारे बेटे का ये सवाल होगा, पर मैं समझता हूँ उसका कंसेप्ट ठीक हो गया होगा। हो गया ना? आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज के लोगों को मंदिरों का खर्चा तो दिखता है, शादी विवाहों में होने वाले फिजूल खर्चे क्यों नहीं दिखते हैं? पार्टियों में होने वाला खर्चा क्यों नहीं दिखता? बड़े बड़े सम्मेलन और समारोहों में होने वाला, चाहे वो पॉलिटिकल हो या दूसरे प्रकार का, उसका खर्चा क्यों नहीं दिखता? अरे उससे पैसा बचाओ, इधर लगाओ। और एक बात और, हमारे देश में ये देखो कि ऐसा कोई गांव नहीं जहां कोई पूजा स्थल नहीं, ऐसा मिलेगा जहां कोई स्कूल नहीं है और कोई अस्पताल नहीं है। ऐसे गांव आज भी, आजादी के 75 वर्ष बाद भी ऐसे बहुत सारे गांव मिल जाएंगे जहां कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जहां कोई हेल्थ केयर की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां कोई पूजा स्थल ना हो। समझ गए? ये किस बात का द्योतक है? ये केवल इसी बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति में हम अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देते हैं। समझ गए? और हम उस परंपरा में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं जहां खुद रोटी, रूखी रोटी खाकर, हम उस परंपरा में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं जहां हम खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की ज्योत जलाते हैं। और बताऊं, भारत में पैसे वालों ने मंदिर बनाए उनका इतिहास ज्यादा नहीं है,
और भारत में चक्की पीस पीस करके अपना पैसा बचाकर मंदिर बनाने वाली पीसनहारियों का नाम अमर हो गया है। इसलिए इन सब बातों से सीखो और पैसे का सदव्यय करो। मैं ये नहीं कहता कि मानवता के कल्याण का कोई उपक्रम मत करो, जरूर करो, वो जहां जरूरी है वो करो, पर इसको मत भूलो। अब एक बार मुझसे सवाल किया गया था, थोड़ा मैं लंबा ले रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुतों का ब्रेन वॉश जरूरी है। एक बार मुझसे सवाल किया कि महाराज जी हम घर से मंदिर जा रहे हैं, पूजा के वस्त्र पहनकर जा रहे हैं, रास्ता में कोई पीड़ित कराहता हुआ इंसान मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? पहले उस पीड़ित व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए या भगवान की पूजा? हाँ, क्या करना चाहिए? पीड़ित की सेवा, समझ गए? वो भी हमारा धर्म है, और वो व्यक्ति पहले करेगा जो भगवान के मंदिर जा रहा है, समझ गए? तो पीड़ित की सेवा कीजिए, पर एक बात ध्यान रखिए, उसी में रमे मत रहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। आज बहुत दिन बाद प्रसंग आया है ना, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों अलग अलग चीज है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट परमार्थ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई अर्जेंसी आ जाने पर हमें अपने इंपॉर्टेंट कार्य को गौण करना पड़ता है। उदाहरण दे दूं, मान लो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी से आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, 5:25 पर आपको मिलना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप उनसे मिलने जा रहे हो, अब 5:20 होते होते आपकी हाजत बिगड़ गई, शौच की इच्छा हो गई, अब बताओ क्या करोगे? इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के चक्कर में अपने कपड़े खराब करोगे या उस मीटिंग को छोड़कर पहले निर्वृत्त होगे? बोलो, हाँ निर्वृत्त, बोलो बोलो, पहले निर्वृत्त होंगे ना, क्या हुआ? इंपॉर्टेंट कितना भी हो, अर्जेंट जो है वो सामने होना चाहिए। इसी प्रकार भले पूजा आराधना उपासना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर सामने कोई अर्जेंसी आ जाए तो उसे गौण नहीं करना, उसे प्राथमिकता से करना, समझ गए? पीड़ित की सेवा करो, लेकिन एक बात, अर्जेंसी यदा कदा होती, रोज नहीं। हाजत बिगड़ने पर टॉयलेट में जाना समझदारी है, पर दिन भर वहीं बैठे रहना कहां की समझदारी है? समझ गए ना? तो बातों को व्यापकता से समझने की जरूरत है, और जब तक आप इस रूप में चीजों को नहीं समझते, आप अपनी अवधारणा को ठीक नहीं बना सकोगे। तो अपनी अवधारणा ठीक बनाए, चीजों को समझें, व्यापकता से सोच करके चले, तब काम अच्छा। उपस्थित हो श्रीमान सूर्य जी पांड्या साहब, संरक्षक गुणायतन कोलकाता से, तैयार हैं शिल्पी अमरदीप जैन भाग्योदय सागर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ये जो बाह्य तप हैं, 6 प्रकार के बाह्य तप, अनशन, ऊणोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, ये क्या एक से कठिन दूसरा, दूसरे से कठिन तीसरा, ऐसे कोई इनका क्रम है या रैंडम है? ये कई लोगों की धारणा है कि उपवास से ज्यादा कठिन है एकासन, एकासन से कठिन है रस परित्याग, तो आपका इसमें क्या मतलब? देखो, तप कोई भी कठिन नहीं है और कोई भी तप सरल नहीं, जब तक उसे
स्वीकार नहीं करो तब तक कठिन है, स्वीकार कर लो तो सरल है। आपके सवाल का उत्तर गुरुदेव के साथ जुड़े एक प्रसंग से करता हूं। एक महाराज जी जो अक्सर उपवास किया करते थे, आचार्य महाराज से कहा महाराज जी कल का उपवास चाहिए। गुरुदेव ने कहा उनोदर कर लेना, उनोदर कर लेना। दूसरे महाराज ने सोचा कि महाराज आज उपवास दे नहीं रहे, सुनने मांगा महाराज जी कल का उनोदर, बोले उपवास कर लेना। समझ गए? मैं समझता हूं उत्तर आ गया इसमें। आप किसी में रचो नहीं जिसमें आपकी इच्छा का निरोध प्रबल हो। हाँ, अनुभव की बात मैं करता हूं। उनोदर और उपवास तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो उपवास में तो कोई विकल्प ही नहीं। उनोदर में आप गए हो, सामने वाला दे रहा है पर अपने को लेना नहीं। और मैं अपने कुछ अनुभव बताऊं, मैंने कई उनोदर ऐसे किए हैं जिसमें चौके में जाकर केवल एक कौर लिया है, आगे पीछे कोई पानी भी नहीं, केवल एक कौर लिया, पूरी तरह से उसे चर्वन किया और उसके बाद बैठ गए, कुल्ला करके आ गए। वो तो उनोदर है, उत्कृष्ट उनोदर करा था। लेकिन आपको बताऊं, लौटने के बाद शरीर को नॉर्मल होने में आधा घंटा लगता है क्योंकि अंदर की प्रक्रिया चालू हो गई, कुछ नहीं गया, केवल एक कौर। तो ये भी अपने आप शरीर की क्रिया है। तो अपने आप में कोई भी तप कठिन नहीं है, जिसे मान लो वो कठिन। इच्छा निरोध तप की इंटरप्रिटेशन से देखें तब तो फिर एक टाइम मतलब भूख से कम खाना जो है वो ज्यादा बड़ा मतलब उसमें जो मान लो सो है, जो उनोदर करता उसके लिए उपवास कठिन है। इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और एक को नहीं सबको करना चाहिए और किसी को कठिन नहीं सबको सरल बनाना चाहिए। नमस्ते। उपस्थित हूँ शिल्पी अमरदीप जैन भागवत सागर से, तैयार हैं श्रोमणी संरक्षक गायतन श्रीमान आशीष जी जैन देहरादून से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आपकी भावना योग की एक लाइन शक्ति मतोहम कहते कहते दो वंदना कैसे पूरी हो गई पता ही नहीं चला। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि असफलता के बाद हौसला रखना आसान है लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना कठिन क्यों है? बहुत अच्छा वाक्य है, असफलता के बाद हौसला रखना आसान है परंतु सफलता के बाद नम्रता रखना कठिन है। देखिए, विफलता में हताशा और सफलता में अभिमान ये स्वाभाविक तौर पे मनुष्य के अंदर होती है। लेकिन हताशा थोड़ी सी प्रेरणा पाकर के दूर की जा सकती है लेकिन अभिमान को गलाना बड़ा कठिन होता है। मनुष्य का अभिमान जब तक टूटे नहीं तब तक उसे बदल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि असफलता होने पर हौसला पाना सरल है लेकिन सफल होने पर नम्रता पाना ताया कठिन है, असंभव नहीं। यथार्थ जो अपने आप को सफलीभूत करते हैं उनके साथ उनकी नम्रता जुड़ी रहती है लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते वो भटकते हैं। उपस्थित श्रीमान आशीष जी जैन गुणायतन के सुविधा संरक्षक, तालियां बजाकर अभिनंदन करें इनका। उपस्थित हूँ डॉक्टर इंजीनियर श्रीमान रमेश जी जैन मिनी जी जैन सतना से, निर्माण मंत्री गुणायतन सतना, और तैयार रहे अंशिका जी जैन सागर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज लगभग सभी लोग शिक्षित होते जा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी लोग लॉजिक की अपेक्षा मैजिक पर विश्वास कर लेते हैं, ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें महाराज श्री नमोस्तु। किसकी अपेक्षा?
शिक्षित होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लॉजिक की अपेक्षा मैजिक पर विश्वास कर, लॉजिक की अपेक्षा मैजिक पर विश्वास बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह केवल ये है कि लोगों को शिक्षा तो मिल रही है पर सुशिक्षा ने, शिक्षा को सुशिक्षा में बदले। जब तक व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं किया जाए तब तक वो अपने जीवन में कारगर उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। तो अध्यात्म से भरा हुआ व्यक्ति किसी चमत्कार पर विश्वास नहीं करता, वो बहुत वैज्ञानिक सोच लेकर के चलता है और वही सोच हमारी होनी चाहिए। उपस्थित हंसिका जी जैन सागर से डॉक्टर मुकेश जी की बेटी है। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। तैयार रहे हर्षिता जैन कलकत्ता से। महाराज जी हम लोग एक पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं और ये पितृतंत्र व्यवस्था हमारे घरों में इतनी आम हो गई है कि लोगों को महसूस नहीं होता कि ये कितना गलत है। तो किन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हम इस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? देखिए ये एक सोच है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था से कई लोगों को पीड़ा है, पर मुझे लगता है कि इस व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं, बल्कि इस व्यवस्था में अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो हमारी संस्कृति का मान है। इसमें नर नारी सबका गौरव। सबसे पहले तो मैं आपका दृष्टिकोण पूरी प्रकृति पर केंद्रित करूंगा। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मेरे इन विचारों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आप पूरे प्रकृति के ऊपर विचार करिए। जितने प्राणी समूह में रहते हैं उनमें अहम रोल किसका होता है, नर का कि मादा का? बोलो। नहीं, मादा का। लेकिन मुखिया कौन होता है? नर। ये किसने बनाया? मनुष्यों ने तो खुद बनाई। लेकिन शेरनी सबसे ज्यादा शिकार करती है, पर लीडर कौन है? शेर। हथनी पूरे समूह की यूथ की पूरी सुरक्षा रखती है, लेकिन उसका लीडर कौन है? हाथी। बंदर के समूह में बंदरियां भी बहुत रहती है, लेकिन लीडर कौन है? बंदर। एक बार थोड़ा विचार करो, ये व्यवस्था किसने बनाई? प्रकृति ने या मनुष्यों ने? मनुष्यों ने बनाई क्या? नहीं, प्रकृति। तो जब हमें वो स्वीकार है तो ये स्वीकार करने में क्या बुराई? दूसरी बात, एक बार मुझसे सवाल किया गया कि बच्चे को जन्म देती है मां, 9 माह तक पेट में रखती है, फिर भी उसकी पहचान उसके पिता से क्यों होती? तुम्हारे ही प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न। जन्म मां देती है, 9 माह तक पेट में रखती है, प्रसव की पीड़ा सहती है, तो नाम पिता से क्यों, मां से क्यों नहीं? मैंने उसका उत्तर दिया और मैं समझता हूं ये उत्तर तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में भी सहायक होगा। मैंने कहा कि देखो, मैंने कहा कि ये बताओ बीज कहाँ बोया जाता है? बोले धरती में। बीज का अंकुर कहाँ होता है? धरती के अंदर। पौधा बढ़ता कहाँ है? धरती में। लेकिन पौधा कहलाता किसका है? बोलो। आम का बीज हमने जमीन में डाला, वो बीज कहाँ बढ़ा? जमीन के अंदर, भूमि के अंदर, है ना? उस बीज को पोषण किसने दिया? धरती ने। बीज बढ़ा कहाँ? पौधा खड़ा कहाँ हुआ? धरती में। पर उस पेड़ का नाम क्या है? आम का पेड़। आम का पेड़ है ना। तो बस मैं ये कहूंगा, माँ धरती है, पिता बीज है, पहचान बीज से होती है। नमोस्तु महाराज। इसे स्वीकारने में क्या बुराई है? लेकिन कितना भी उन्नत बीज हो, धरती के आलम्बन के बिना वो बीज कभी अंकुरित होगा क्या? कतई नहीं। तो बीज को अंकुरित करने के लिए धरती का आलम्बन भी जरूरी है। इसलिए गौण नहीं करें, हमें
व्यवस्था के लिए किसी को आगे किसी को पीछे कर दिया गया है। पर इसको देख करके मन में कुछ विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी परंपरा बनती है, हमारा कुल इसी से चलता है। पिता से इस व्यवस्था को जोड़ने से एक वंश का अंश जाता है, और माँ तो दूसरे घर से आती है, ये भी तो बात करने की जरूरत है। तो एक व्यवस्था है, हाँ, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अर्थ ये नहीं है कि नारियों को कमतर आंका जाए, उनकी उपेक्षा की जाए, उनका शोषण किया जाए, ये कतई नहीं। हमारे यहां पितृसत्तात्मक व्यवस्था के बाद भी अनेक ऐसी महारानियां हुई है जो आज भी इतिहास की अमर गाथा बनी हुई है, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो चाहे दुर्गावती हो, है कि नहीं। तो उस पक्ष को हम क्यों नहीं स्वीकारते? तो व्यवस्था को व्यवस्था के अनुकूल देखना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जिसे नकारा जाए। उपस्थित हैं हर्षदा जी, जी। कोलकाता से तैयार हैं श्रीमती वंदना जी, धर्मेश जी जैन, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हो सकता है कि यह प्रश्न पहले भी पूछा गया हो, लेकिन मुझे इसका समाधान नहीं मिला। महाराज जी, मैं अक्सर लोगों को यह बहस करते हुए सुनती हूँ कि यह धर्म श्रेष्ठ है, वह धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि धर्म क्या है और धर्म को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है, और हम धर्म और अधर्म में भेद कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। धर्म क्या है, धर्म को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है, और हम धर्म और अधर्म में भेद कैसे करें। देखिए, आपने पूछा है धर्म क्या है, मैं एकदम एक वाक्य में कहूँ तो आप जैसे लोगों के लिए मैं कहूँगा अधर्म न करना ही धर्म है, ठीक है। अब आपने पूछा कि धर्म और अधर्म को परिभाषित कैसे करें, तो बस मैं अभी बता देता हूँ अधर्म क्या है। अभी आप यहाँ बैठी हो, खड़ी हो, सवाल कर रही हो, मैं आपके सवाल का बहुत हंस के उत्तर दे रहा हूँ, आपको खुशी हो रही जी। और अभी मैं ये कह दूँ कि ऐसी लड़की है, भरी सभा में ऐसा सवाल पूछती, इसको ये भी अकल नहीं है महाराज से कैसा सवाल पूछा जाता है, कैसा लगेगा तुम्हें? बुरा लगेगा। बस ऐसा व्यवहार करना जिससे किसी को बुरा लगे अधर्म है जी। और हमेशा ऐसा व्यवहार करो जो हमें भी अच्छा लगे। भगवान महावीर से किसी ने पूछा कि प्रभु अर धर्म की सरलतम व्याख्या क्या है, तो उन्होंने बहुत सधे शब्दों में उत्तर दिया, जम इच्छसि अपनतो, जम चन इच्छसि अपनतो, तम इच्छा परस्सवय एत्येगम जिन शासनम। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, तम इच्छा परस्सवय, दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो, यही धर्म का सार है। समझ गए? दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें अच्छा लगता है तय कर लो, दूसरों से मैं वही व्यवहार करूं, और दूसरों का जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता तय कर लो ये अधर्म है, मुझे दूसरों से ऐसा व्यवहार नहीं करना। धर्म और अधर्म को परिभाषित करने की इससे व्यवहारिक व्याख्या मैं समझता और नहीं। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो श्रीमती वंदना जी, धर्मेश जी जैन, पिंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। तैयार है श्रीमान दिनेश जी जैन कक्का जी, जबलपुर से। बोली द्वारा के चरणों में बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, वर्तमान परिस्थितियों में जैन समाज के सामने एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जैन समाज की बेटियां इंटर कास्ट मैरिज की ओर अग्रसर हो रही हैं। ऐसे में एक बेटी के माता पिता का चिंतित होना स्वाभाविक है। तो मुनिश्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चियों को या हर माता पिता की बेटियों को बचपन से ही किस तरीके से संस्कारित किया जाए कि बड़े होने पर उनके मन में इस तरह की दुर्भावना का जन्म ही ना हो। न केवल बेटियों को, बेटे कम है क्या? ध्यान तो हमें सब सही है महाराज, सबके प्रति देना है।
और बहुत व्यवस्थित तरीके से देने की जरूरत है। सबसे पहले हमें अपने बेटी हो या बेटा, उन्हें अपने कुल की मर्यादा का पाठ कराना चाहिए। जाति मर्यादा, धर्म मर्यादा और जीवन की मर्यादा का बोध कराना चाहिए और तथ्यात्मक तरीके से ये बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि विवाह दो व्यक्तियों के मध्य नहीं होता, दो परिवारों के मध्य होता है। और उन्हें हमें ये भी अवगत कराना चाहिए कि विवाह का हमारी आने वाली संतति से क्या संबंध है। आप सबके जानकारी के लिए मैं कहूंगा कि पारसी समुदाय आज विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए और अध्ययन के बाद ये बात निष्कर्ष के तौर पर सामने आई कि इसकी सबसे बड़ी वजह विधर्म विवाह। सभी युवक युवतियों को हमें ये बात समझाना चाहिए। युवक युवती बनने की बात बहुत है बचपन से ही कि हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने धर्म और अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का भाव रखना चाहिए। ये बात जिसके हृदय में अंकित हो जाती है वो कभी ऐसा गलत कदम नहीं उठाती। उपस्थित हूँ कक्कड़ी जबलपुर से और तैयार है श्रीमान आशीषी जैन देहरादून सुबह शिक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी यह प्रश्न मेरे मित्र का है सुभाष जैन जबलपुर से। तो पूछ रहे हैं कि जिन दिगंबर प्रतिमाओं में की प्रतिष्ठा में सूर्य मंत्र प्रतिष्ठित प्रतिष्ठाचारों ने दिया है उनमें असह कितना होता है या नहीं। फिर से बोलो। जिन प्रतिमाओं में प्रतिष्ठाचारों ने सूर्य मंत्र दिया है उनमें असर होता है कि नहीं। भैया जो 200 वर्ष पहले स्थापित हो गए उनका कौन देखेगा। वर्तमान में जहां मुनिराज उपलब्ध हैं मुनिराजों के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमा ही हमारे लिए पूजना चाहिए। मुनिराजों के अभाव में जो प्रतिष्ठित हो गई है उन्हें हमें बीतराग भगवान मानकर उनकी आराधना कर लेना चाहिए। वहाँ ना हमें उनके अतिशय देखना चाहिए ना अन्य कोई विकल्प। हमें एक बात और ध्यान रखना, जिस प्रतिमा को लोग वर्षों से पूजते आ रहे हैं वो प्रतिमा तो अपने आप प्रतिष्ठित हो गई ऐसा मान लेना चाहिए। वर्षों से जिसकी पूजा है, मैं एक घटना बताता हूं। सागर विश्वविद्यालय के परिसर में वहां के जैन छात्रों के लिए दर्शन की असुविधा होती थी तो कुछ छात्रों ने वहां एक स्तंभ बना करके जिन प्रतिमा की स्थापना कर दी वो प्रतिमा अप्रतिष्ठित थी लेकिन लोग नित्य उनका दर्शन वंदन करते थे। सन 1988 में गुरुदेव का वहाँ प्रवेश हुआ यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय परिसर में, मैं साथ था। लोगों ने कहा कि महाराज ये प्रतिमा अप्रतिष्ठित है, आपके माध्यम से इसकी प्रतिष्ठा हो जाए। गुरुदेव ने जो कुछ करना था सो तो किया लेकिन एक वाक्य कहा, जिस प्रतिमा को लोग 20 वर्षों से पूज रहे हैं वो तो अपने आप प्रतिष्ठित हो गए। इसलिए मेरी राय में इन बातों को ज़्यादा प्रमुखता नहीं देनी चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ पंथवाद आ रहा है वहाँ हमें अपेक्षित सावधानी रखना चाहिए और पंथवादी मनोवृत्ति से बचना चाहिए। उपस्थित हूँ ब्रह्मचारी बहन सुनीता दीदी, बबीता दीदी कटंगी से। तैयार है श्रीमान आकाश जैन बुरहानपुर से संदीप एवं रीति के साथ। आकाश जैन प्रश्न करेंगे। ओ ब्रह्मचारी बहन सुनीता दीदी, बबीता दीदी कटंगी से उपस्थित हो जाए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आपके द्वारा रचित मंगल भावना को हमने अपने स्कूल में बच्चों को लागू कर दिया प्रार्थना के रूप में। और जो बच्चे अधिक उद्दंडता करते हैं, किसी की बात नहीं मानते, हर समय झगड़ा करते हैं, उन्हें भावना योग से संबंधित एक दो कमांड आप बताइए जिससे वो अच्छे काम करने लगे।
देखिए बच्चों के लिए भावना योग मेरा दिया हुआ है, आप उस भावना योग का प्रयोग कीजिए, बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव आए। महाराज दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और परिवार के सभी सदस्यों का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री ना चाहते हुए भी समय अभाव के कारण यदि माता पिता का दिल हमारे माध्यम से दुखी होता है तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि शेष बचे हुए जीवन को वो आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकें। यदि हमारे न चाहते हुए भी किसी का दिल दुखी हो तो पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि हम यथा संभव अपना व्यवहार ऐसा करें कि सामने वाले का दिल न दुखे, और यदि इसके बावजूद दिल दुखने की स्थिति होती है तो अपनी ओर से उनसे हृदय से क्षमा मांगने का प्रयास करें। उपस्थित हैं आकाश जी, संदीप एवं रीति के साथ। आकाश जी प्रश्न करें और तैयार रहें। श्रीमती रंजना जी, अजय जी जैन, गोरखपुर जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार के और पूरे बुरहानपुर समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, हमने कोई चीज का त्याग का नियम लिया है, फिर भी उस चीज को खाने पीने की इच्छा हो गई पर नियम नहीं छोड़ा, और किसी चीज का नियम नहीं है पर हमें उसके आसक्ति नहीं है, ऐसे दोनों परिस्थिति में हमें क्या लगेगा, पाप या पुण्य? एक बात बताओ, बैंक में करेंट अकाउंट में आपका रुपया पड़ा है और 10 साल से पड़ा है, कोई इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। हाँ नहीं, थोड़ा बहुत सर्विस चार्ज भी लगेगा? लगेगा। और आपने 45 दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट किया है, ब्याज मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज इंटरेस्ट। एक में सर्विस चार्ज लगा और एक में इंटरेस्ट मिला, आप तय कर लो क्या है। यही संकल्प है, समझ गए ना? तो हम कोई चीज नहीं कर रहे, इसको त्याग दो। त्याग करते ही उसकी एफडी बन जाती है, समझ गए ना? इसलिए त्याग में संकोच नहीं करो। उपस्थित हो रंजना जी, अजय जी के संग गोरखपुर जबलपुर से। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, समाधि का अर्थ क्या है और इसे क्या हमें अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मानकर चलना चाहिए? देखिए, समाधि दो अर्थों में है, एक तो समता का नाम समाधि है और दूसरा जब हम समाधि मरण की बात करते हैं, साम भाव से देह परित्याग का नाम समाधि मरण है, जिसे हम लोक भाषा में समाधि कहते हैं। तो अगर उस समाधि को समाधि मरण से लेते हैं तो अपने जीवन के अंत में उसके वरण का लक्ष्य रखना चाहिए, और अगर समाधि को समता का अंग मानते हैं तो हमें हर पल समता में रहना चाहिए। नमोस्तु। हाँ विकर्ष जी, अब आए आप अपनी, डॉक्टर प्रद्युम्न जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, उसके पश्चात तैयार रहेंगे विकर्ष जी। डॉक्टर प्रमोद प्रद्युम्न जी दिल्ली से, वास्तुविद डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका है, जिस तरह से हर व्यक्ति के जीवन में शादी का योग होता है 3 से 4 बार या संतान योग होता है 12 से 15 बार, इसी तरह से मृत्यु योग भी 3 से 4 बार देखने में आया है, लेकिन एक व्यवस्था है कि शादी एक ही बार करता है जीवन में, या संतान पहले 10-12 होती थी तो आजकल 2-3 होती है। इसी तरह से मैंने ये देखा है कि अगर किसी की आयु का कैलकुलेशन करते हैं, उसका निमित्त अगर ना बने, एक बार मृत्यु योग उसका बन रहा है, अगर वो निकल गया तो दूसरे में, नहीं तो तीसरे में डेथ होती है। अब मेरा प्रश्न ये है, जैन आगम परंपरा के अनुसार जो आयु कर्म होता है वो निश्चित है कि किस समय आयु होती है, तो उसको हम किस रूप में देखेंगे कि आयु कर्म का जो पल है वो सांसों पे निर्भर करता है या एक काल अवधि का नाम है, या उसको किस नजरिए से? बहुत अच्छा सवाल आपने आज किया है, जिसमें कर्म सिद्धांत और ज्योतिष दोनों मिले हुए। आपने एक बहुत अच्छी बात पर आज ध्यान आकर्षित किया, एक व्यक्ति के लिए विवाह के 4 बार योग होते हैं, किसी के और ज्यादा भी होंगे, और संतान के भी अनेक योग होते हैं जी महाराज।
लेकिन अब तो विवाह करने की दूसरी गलती कोई नहीं करना चाहता, और संतान भी एक या दो से अधिक कोई नहीं चाहता। अब इसमें एक सवाल पहले खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा होता है कि उस विवाह का योग है, संतान का योग है, फिर भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ज्योतिष में जो योग बना है वो निश्चित नहीं है। इसी प्रकार जो तुम्हारी मृत्यु का योग कोई बताए तो घबराओ नहीं, जब विवाह का योग टल सकता है, संतान का योग टल सकता है, तो मृत्यु का योग भी टल सकता है। घबराने का कोई काम ही नहीं। और जैन कर्म सिद्धांत इस बात का स्पष्ट उद्घोष भी करता है। जैन कर्म सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, लेकिन विशेष आयुर्वेद रसायन आदि की चिकित्सा से अकाल मृत्यु टल भी सकती है, निमित्त टल जाए तो टल भी सकती है। हाँ, लेकिन निमित्त कितना भी टले अंततः मरना तो पड़ता ही है। ऐसी पत्री आपने जरूर देखी होगी जिसका विवाह योग था पर विवाह नहीं किया। उदाहरण मैं हूं, मुझे एक पंडित ने बताया था दो विवाह करेगा। मैक्सिमम होता है महाराज श्री, हाँ मैक्सिमम योग होता है ना, मैं बताना हूं ना, ऐसे योग तो है, ऐसे योग तो मिलेंगे कि विवाह है, अब खोजेंगे तो संतान का भी योग मिलेगा। तो ऐसे उदाहरण तुम्हें मिल जाएंगे जिनकी कुंडली में जन्म विवाह का योग था पर विवाह नहीं हुआ, और संतान का योग था संतान नहीं हुई, पर ऐसा एक भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी मृत्यु का योग हो और वो अमर हो। मरना तो तय है, इसलिए मरना, सबको मरना है, पर एक ही बात कहता हूं, जब मरना हो तभी मरना, जीते जी कभी मत मरना। लोग मरने के डर से जीते जी मरते हैं। संत कहते हैं जियो मरो मत, जीते रहोगे तो आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहोगे। आशीष आगे। नमस्ते आशीष। आशीष जी श्रोणी सख्त गुणायतन उपस्थित हो चुके हैं, देहरादून से आए, अब इनके सम्मान में तारी बजा के सम्मान कर। परियोजना या जो परियोजना चल रही है यहाँ पे गुणायतन, उसके निर्देशक श्रीमान आशीष जी जैन श्रोमणि सख्त गुणायतन, तारी बजा का अभिनंदन करें इनका, और ये पृष्ठ प्रस्तुत करके हम सबको लाभ दिलाए। सपत्नी मंच में आ जाए शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा सवाल बस यही है कि हम अपने ऊपर संयम कैसे और बेहतर कर सकते हैं अपने आप पर, बिजनेस पे, बिजनेस की डीलिंग्स पे, रोजमर्रा के। देखिए इमोशंस पर जो कंट्रोल लाना सीख जाता है उसका जीवन अपने आप संयमित हो जाता है, और ये बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में, चाहे व्यवसायगत क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, व्यवहारिक जीवन आध्यात्मिक, हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ इसके लिए भावना योग बड़ा कारगर उपाय है। मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, इन वाक्यों को बार बार दोहराओ तो बहुत लाभ होगा। हाँ दो, आज उसको अवसर दो, नहीं चाहिए, चलिए ठीक है। आशीर्वाद एक बार आशीष के लिए, उसकी धर्म पत्नी को आभार दे दो एक बार, क्योंकि इधर से जब ग्रीन सिग्नल मिलता है तब ये लोग काम कर पाते हैं, है ना। चलिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ओ आप विकास जी आए, और ओ दो दिन पहले तीन दिन पहले मैंने एक चर्चा की थी कि पानी को आप अपने ओवर हेड टैंक से कैसे छान के प्रयोग ला सकते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि एस के जैन साहब कल मेरे पास आ गए, आजाव के जैन साहब सामने, इन्होंने एक ऐसी डिवाइस और तैयार की
कि अब अभी तक तो केवल ओवरहेड टैंक में आप पानी छानने की व्यवस्था करते थे जिससे जीव जंतु मरते से बचते थे, अभी एक गीजर भी लेकर आए जिससे पानी पहले छनेगा फिर गर्म होगा और बिन छानी ठंडा पानी निकल भी जाएगा। यहाँ डेमो लगा रखा है मध्य प्रदेश भवन के कोने में, उसे जरूर देखना चाहिए। और मैं कहूँगा इनका नंबर सब प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध है, मैं नंबर बोल देता हूँ, और अहिंसा फिल्टर के नाम से यूट्यूब में भी उपलब्ध है, लोगों को जरूर उसका उपयोग करना चाहिए ताकि आप इस हिंसा से बच सके। हाँ बोलो जल्दी से आइए। और जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथी से पुण्य कार्यन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़ करके अपने आप को धन्य किया है उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सूत्रधार सदस्य के रूप में सर्वप्रथम जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री वीरेंद्र कुमार, माया जैन, विवेक कुमार, सरिता जैन, कनवा वाले सागर से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। वो हमारे बीच उपस्थित हैं, आइए मैं निवेदन करूंगा, आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री आशीष जी जैन देहरादून परियोजना निदेशक और शैलेंद्र जैन जी, आए ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करें, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही जबलपुर से मिस आकांक्षा जैन, सुपुत्री श्रीमती सरोज जैन, अंकुर, आकाश, ऋचा, श्रुत, कीर्ति जैन, सा परिवार जबलपुर से एक बार जोरदार करदल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। इन्होंने भी सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। साथ ही जो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं श्री वैभव जैन, सुपुत्र श्री असरफी लाल जैन, गौरव जैन, तनिष जैन, सागर मध्य प्रदेश, आइए मैं निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें, आशीष प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुरेश जी पांड्या साहब संरक्षक गुणायतन और अनिल जैन जी अमर पाटन से हमारे बीच में है, आए ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करें, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं नागपुर से डॉक्टर साधना जैन, श्री धरनेन्द्र कुमार जैन, कुमारी शैली जैन सपरिवार, विदिशा से श्री सुरेंद्र कुमार, सुमन जैन, इंजीनियर आलोक, डॉक्टर निधि युवान, पूर्वा जैन, इन्होंने भी आज सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, आइए हमारे बीच उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री प्रेम महेंद्र जैन जी, महेंद्र जैन जी सतना और साथ ही प्रेमचंद जी प्रेमी साहब सतना से गुणायतन संस्थापक सदस्य बुआएं और सम्मान करेंगे, जोरदार करताल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही गलाकोटा से जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है श्री सुरेंद्र कुमार, सुमन जैन, इंजीनियर आलोक, डॉक्टर निधि युवान, पूर्वा जैन, आप ही ना जी, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। गड़ाकोटा से डॉक्टर भूपेन जैन, श्रीमती अर्चना जैन, डॉक्टर अभि जैन, नीलिमा जैन सा परिवार, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए श्रीमती लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री और शकुन निधि, आए और ऐसे परिवार का सम्मान करें। साथ ही पांडु गुवाहाटी से डॉक्टर सुधीर राजुल आभा मनन जैन सा परिवार, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुनील जी अजमेरा और डॉक्टर प्रद्युमन जी, आए और ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करें। हमारे बीच में अभी हैं भूपेंद्र जी, अर्चना जी, डॉक्टर अभी, नीलमा जी सा परिवार, इनका सम्मान कर रहे हैं, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। इसके बाद हमारे बीच रहेंगे डॉक्टर सुधीर राजुल आभा मनन जैन गुवाहाटी से, उनका सम्मान करेंगे, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही निर्माण सारथी की जन्म सत्ता प्राप्त की, हाँ हमारे बीच में है डॉक्टर सुधीर राजुल आभा मनन जैन गुवाहाटी पांडू से और उनका सम्मान कर रहे हैं सुनील जी अजमेरा संयुक्त महामंत्री गुणायतन और साथ ही डॉक्टर प्रद्युमन जी, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन कीजिए। निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं सिंगापुर से श्री अक्षत जैन, श्रीमती सोना जैन, पावक जैन सपरिवार। निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री भैयालाल जैन, श्रीमती गुड्डी जैन, मनीष, प्रियंका, अनुराग, प्रतीक्षा जैन सागर मध्य प्रदेश, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच उपस्थित हैं और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इंजीनियर रमेश जैन जी और साथ ही सुहास जी जैन सीईओ गुणायतन,
आए और ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही निर्माण मित्र में जबलपुर से जुड़े हैं श्री अजय कुमार जैन, रंजना जैन, मुकेश जी, अर्चना जी, अर्चित कौशल, पूर्वी जैन, आदिश जैन, सिवनी वाले कटनी जबलपुर, इन्होंने आज निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है। वो भी आए और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा सुनील जैन जी सीएफओ गुणायतन और अमित जी सेठी गुड़गांव, शैलेंद्र जैन जी आ जाएंगे। ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए श्री अजय कुमार, रंजना जी, पूर्वी, आदिश, जबलपुर सा परिवार, इनका सम्मान हो रहा है। महावीर प्रसाद जैन मुंबई से, इन्होंने भी आज निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही बंधु, एक ऐसी छात्रा है जिसने 12th क्लास में 97.5% अर्जित किए और इस अवसर पर उसको 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। उस स्कॉलरशिप से 11,000 रुपए की राशि प्रदान करके निर्माण निधि की संस्था प्राप्त की है। सपरिवार हमारे बीच उपस्थित है, आइए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और उनका सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुनील जैन जी सीएफओ गुणायतन और साथ ही सीएफओ गुणायतन हमारे और साथ ही बंधु सहस्त्रकूट में जिन्होंने प्रतिमा स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, वह हमारे बीच आज उपस्थित हैं। ऐसे श्री रमेश चंद जैन, श्रीमती सुरेखा जैन, सौरव, अंजलि, आलोक, नैना पहाड़िया, राजिम से सा परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। किसका 12th वाली कौन है? आप आ जाओगे? आ जाएं, निवेदन करूंगा, आ जाएं हमारे बीच में रमेश चंद जी, श्रीमती सुरेखा जैन, सौरव जी, अंजलि जी, आलोक जी, नैना पहाड़िया, राजिम से हमारे बीच है, सब परिवार आए। इन्होंने सहस्त्रकूट में प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित शीघ्रता से आए और इनके सम्मान के लिए सुभाष जी जैन सीए गुणायतन और सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही श्री प्रोफेसर फूलचंद जी प्रेमी, डॉक्टर मुन्नी पुष्पा जैन वाराणसी, इन्होंने भी निर्माण निधि से सदस्यता प्राप्त की है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। शेष निर्माण निधि में कोलकाता से श्रीमती शोभा देवी, रितेश जैन, गाजियाबाद से श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी सुरेश चंद जैन, संदीप अर्णव जैन, सागर से अमित जैन, श्रीमती अर्पिता जी, अक्षत अनुज जैन, जयपुर से टीकम चंद, महावीर प्रसाद जैन, आगरा से ब्रजेश जैन, हुगली से संतोष कुमार, सुलोचना गंगवाल, अजमेर से डॉक्टर राहुल जैन, सौरभ जैन अजमेर, सुजालपुर मंडी से श्री जयप्रकाश पाटीदार, कटनी से श्रीमती बिमला कौशल्या, कौशल्य मुकेश, अर्चना अर्चित कौशल्या पाटनी, सूरत से श्रीमती सुरेश सीमा सुरेश पहाड़िया, सागर से नेमचंद अनुराग जैन, अनुराज जैन, मुजफ्फरपुर से ओम प्रकाश जैन, श्रीमती रानी जैन, सागर से श्रीमती बबीता जैन भाग्योदय तीर्थ, कटंगी जबलपुर से मन्नू लाल जैन सा परिवार, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए सभी श्रावक दान वीरों का। रमेश चंद जैन, श्रीमती सुरेखा जैन, सौरव, अंजलि, आलोक, नैना जी पहाड़िया, राजिम से, जिन्होंने सहस्त्रकूट में प्रतिमा का रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है, यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो शीघ्रता से आए। हो गया खत्म। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। और बंधो, हम सबकी एक और शंका के गुरुदेव, जहां देखो वहां गुणायतन गुणायतन और गुणायतन गूंजता है। आखिर क्या है परिकल्पना इस गुणायतन की? क्या है एक ऐसा अद्भुत अजूबा? क्यों बनने जा रहा है गुणायतन? आखिर कैसे